भाई सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद वहाँ पे आप सभी को सर्च करना है क्विक वीपीएन, ठीक है। क्विक वीपीएन आप सभी को देखने को मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। सो इसको कर लेना है आप सभी को डाउनलोड, ठीक है। चलो गाइस मैं आप सभी को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, इंस्टॉल हो रहा है। एंड इंस्टॉल होने के बाद गाइस डायरेक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन हो चुका है गाइस। ओपन होने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से गाइस देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे आप सभी को सर्वर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे यूएसए, ठीक है, यूके का देखने को मिल जाता है, कनाडा का देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आप सभी को इंडिया का देखने को मिलेगा। सो मेनली आप सभी को इंडिया ही सर्च करना है, ठीक है, मतलब कि इंडिया ही सिलेक्ट करना है। सो इंडिया का सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को वहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा, नीचे की साइड एक गोल तरह का, ठीक है, एरो देखने को मिलेगा, उसके आप सभी को क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस जहाँ पे आप सभी को टिक कर लेना है, फिर आप सभी को कर देना ऑलवेज अलाउ पे क्लिक, ठीक है। एंड इसको करने के बाद गाइस आपका वीपीएन ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सिलेक्ट होने के बाद गाइस आप सभी को अपनी गेम चलाकर देखना है एंड एक बार चेकआउट कर लेना है कि आपका जो पिंग प्रॉब्लम सही हुआ जहाँ फिर नहीं, क्योंकि यार कुछ बंदों का तो इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यार सभी के पास अलग अलग कंपनी के मतलब सिम्स हैं एंड अलग अलग कंपनी के सिम्स की कारण ही आपका नेटवर्क के जो पिंग की प्रॉब्लम है वो आती है, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम गाइस फ्री फायर की पिंग की है। एंड मेनली गाइस सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद वहां पे आप सभी को सर्च करना है क्विक वीपीएन, ठीक है। क्विक वीपीएन आप सभी को देखने को मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। सो इसको कर लेना है आप सभी को डाउनलोड, ठीक है। चलो गाइस मैं आप सभी को डाउनलोड करके दिखा देता हूं, इंस्टॉल हो रहा है। एंड इंस्टॉल होने के बाद गाइस डायरेक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूं। एंड ओपन हो चुका है गाइस। ओपन होने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से गाइस देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे आप सभी को सर्वर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे यूएसए, ठीक है, यूके का देखने को मिल जाता है, कनाडा का देखने को मिल जाता है, वहां पे आप सभी को इंडिया का देखने को मिलेगा। सो मेनली आप सभी को इंडिया ही सर्च करना है, ठीक है, मतलब कि इंडिया ही सिलेक्ट करना है। सो इंडिया का सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को वहां पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा, नीचे की साइड एक गोल तरह का, ठीक है, एरो देखने को मिलेगा, उसके आप सभी को क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस जहां पे आप सभी को टिक कर लेना है, फिर आप सभी को कर देना ऑलवेज अलाउ पे क्लिक, ठीक है। एंड इसको करने के बाद गाइस आपका वीपीएन ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सिलेक्ट होने के बाद गाइस आप सभी को अपनी गेम चलाकर देखना है एंड एक बार चेकआउट कर लेना है कि आपका जो पिंग प्रॉब्लम सही हुआ जहां फिर नहीं, क्योंकि यार कुछ बंदों का तो इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यार सभी के पास अलग अलग कंपनी के मतलब के सिम्स हैं एंड अलग अलग कंपनी के सिम्स की कारण ही आपका नेटवर्क के जो पिंग की प्रॉब्लम है वो आती है, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम गाइस फ्री फायर की पिंग की है, जिनकी पिंग प्रॉब्लम आ रही थी, जिनके कमेंट आ रहे थे, ठीक है। एंड बाकी कुछ यूट्यूबर से भी मैंने बात किया है एंड उन्होंने भी यही प्रेफर किया कि क्विक वीपीएन इज द बेस्ट, मतलब यार आप सभी को इसी को सिलेक्ट करना है एंड वीपीएन यूज करना है। एंड सेकंड गाइस, सेकंड आप सभी को क्या ऑप्शन यूज करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आपका इससे नहीं होता है, कुछ बंदों का नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है गाइस, ठीक है, बहुत सारे बंदों के साथ होता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस आप सभी को मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेनी है, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग ओपन करते गाइस आप सभी को ऊपर सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वहां पे आप सभी को सर्च करना है DNS, ठीक है। DNS सर्च करोगे तो आप सभी को DNS देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो अगर मैं डायरेक्ट आप सभी को बताऊंगा ना तो वो सभी मोबाइल के अलग अलग होता है, ठीक है। सो वहां पे मैं सर्च करता हूं DNS तो आपका भी प्राइवेट DNS के नाम से आ जाएगा। सो उसके बाद आप सभी को प्राइवेट DNS पे जाना है, आपका ऑफ होगा या फिर आपका होगा ऑटो पे, तो इसको चेंज करके आप सभी को नीचे जो प्राइवेट DNS इसके ऊपर क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, इसको आप सभी को कॉपी करना है, मतलब कॉपी नहीं, आप सभी एक बार नोट कर लो, ठीक है, इसको जिसका नाम है dns.adguard.com, ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाला, इसको कॉपी करके इसी में डालना है, ठीक है, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अपने मोबाइल के अंदर DNS पे जाना, मॉडिफाई पे जाना, इस ये वाला कॉपी करके पेस्ट करके एक बार मॉडिफाई कर देना, टिक कर देना, ठीक है। फिर आपका ये DNS सेट हो जाएगा एंड ये वाले DNS सर्वर के अंदर गाइस आपकी गेम की पिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। So, बाकी यार ये मैंने आपको स्टेप बताए, मतलब ये दो स्टेप बताए हैं, दोनों को फॉलो कर लेना एंड दोनों ट्राई कर लेना, अगर आपके भी मतलब ये ग्लू वॉल लगाते हो, डिले लग रही है। सो यही गाइस ऑप्शन है दो एंड बहुत सारे यूट्यूबर इसी को यूज करते हैं, क्योंकि यार उनका जो अगर आप किसी के लाइव के अंदर जाते हो वहां पे गाइस उनका पिंग बढ़िया चलता है, ठीक है, हेड मारते हैं वो काफी बढ़िया बढ़िया तरीके से, ठीक है, मतलब ये उनका पिंग बढ़िया चलता है गाइस, 50 का चलता है, बट आपका मेरे को पता है 50 का तो चल रहा है, बट ऐसा चले जैसे ग्लू वॉल डिले लग रही है, डिले पिकअप हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी हाँ यार ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हो रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है, बिकॉज गाइस जब कोई आपका अगर देखो ज्यादा वाईफाई राउटर होगा जहां फिर आपके पास सिम हो गए जैसे एयरटेल, BSNL, जियो, ठीक है, जब ये कोई बड़ी कंपनी गाइस को अपने सर्वर मतलब आपके जो भी नेटवर्क के ऊपर मतलब चेंजेस लाती है ना, मतलब अपडेट करती है, तो उसके कारण ये चीज आती है। जैसे गाइस गेम अपडेट हुई एंड गेम अपडेट होने से पहले भी ये प्रॉब्लम आ रही है एंड गेम अपडेट होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यार ये थोड़ी देर बाद मतलब जब तक ये सर्वर चलेगा बढ़िया बढ़िया से 2-3 दिन वेट कर लो ऑटोमेटिकली ये चीज सही हो जाएगी। बाकी यार अब अगर आपको अभी करनी है तो ये चीज जो मैंने आप सभी को दोनों स्टेप बताए हैं इसको कर लो, ठीक है। बाकी आई होप आप सभी समझ जा चुके हो वीडियो में। एंड बाकी यार ये फ्री फायर की प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कि जब कोई अपडेट आता है फ्री फायर में आता है जहां फिर आ चुका है तब ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है।
जब गेम को 3-4 दिन हो जाते हैं फिर ये सही हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो मेनली आप सभी समझ जा चुके हो, जहाँ फिर एक स्टेप और है, ठीक है, एक आप सभी को मिस्टेक और हो सकती है, जैसे कि सिम के रिलेटेड। सिम वाले जब कोई अपडेट करते हैं ना सिम के अंदर, तो फिर अपडेट, तो फिर कुछ नेटवर्क के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, जैसे कि कुछ मतलब के चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण ये वाली प्रॉब्लम आती है पिंग की, ठीक है, जो पिंग हमारी गेम के अंदर होता है। सो मेनली आप सभी समझ जा चुके होंगे, एंड ये वाली वीडियो गाइस यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो गाइस जरूर से लाइक करना, चैनल को लेना सब्सक्राइब, एंड हाँ गाइस सेकंड चैनल का जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ यार, ठीक है, समझा करो, जिसको मेरे साथ खेलना है वहाँ पे आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।